जनूबी पंजाब के आवाम के एक और झटका, आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। शहरियों ने आटे की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। आटे की कीमतों में कमी करके रिलीफ फ्राहम करने का मुतालिबा। ये तो हर एक ने खाना है ना, बच्चे ने भी खाना है, बड़े ने भी खाना है, तो इस पर ख्याल करना ना। इमरान खान साहब ने जो वादे किए कौम से वे पूरे करें। अवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है। मेरी इमरान खान साहब से अपील है कि अलमिया मुआशी अलमिया इसको देखा जाए। अपनी मर्जी से हर बंदा अपना रेट चढ़ा देता है, अपनी मर्जी से डाउन कर दिया जाता है। आटा तो महंगा कर रहे हैं, अवाम तो पहले भूख से मर रही है, काम है नहीं, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई काम, कोई हुकूमत कोई सुनती नहीं है, किस किस को सुनाएगी हुकूमत। फ्लोर मिल्स मालकान ने गंदम महंगी होने की वजह से आटे की कीमत बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। फ्लोर मिल मालिक मलिक मुमताज शजरा ने कहा कि हुकूमत गंदम सस्ती करे, आटे की कीमत भी कम हो जाएगी। ये गंदम का रेट महंगा है, हमारे चार्जेस अब भी वही है। मतलब आप रॉ मटेरियल का रेट कम करवाएं, आप जितना भी कोशिश करना तो रॉ मटेरियल की तरफ जाए। आप देखिए रॉ मटेरियल का रेट इस वक्त क्या है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले, मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और शरीफ और बक्कर में टिड्डी दल की यलगार। कपास, मकई, मूंग, बगास समेत दीगर फसलों को नुकसान। किसान परेशान, अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालिबा। सादिकाबाद में टिड्डी दल ने गन्ना, कपास की फसलों और बागात में डेरे डाल दिए। दीनूशाह, रहीमाबाद में टिड्डी दल के लश्कर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। किसान रवायती तरीकों से टीन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। महकमा ज़राअत का अमला रात के औकात में टिड्डी दल पर स्प्रे करने लगा। सुल्तान में टिड्डी दल के एक बार फिर हमलों का खदशा। आम के बागात, कपास और तरबूज समेत मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तर्जुमान महकमा ज़राअत नवीद इस्मत काहलू ने खबरदार कर दिया। कहते हैं टिड्डी दल के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत की टीमें तैयार हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब टिड्डी दल के तदारुक के लिए इन एक्शन। सरदार उस्मान बुज़दार ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। महकमा ज़राअत को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल बनाने के लिए हिदायत जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए इदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। टिड्डी दल से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की भी हिदायत कर दी गई। टिड्डी दल के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन में किसानों को शामिल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की नुकसान का जायजा लेने के लिए जलालपुर, पीरवाला अहमद और काश्तकारों से मुलाकात। कहते हैं टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। जलालपुर, पीरवाला में 4 टीमें और 4 सब कंट्रोल रूम कायम कर दिए। महकमा ज़राअत की टीमें टिड्डी दल की सर्विलेंस में मसरूफ हैं। मुश्किल घड़ी में सराय की आवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश कर दी। मिट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 37 पैसे फी लीटर सस्ता करने की समरी वजारत खजाना को इरसाल। हाईस्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। उम्मीद है गवर्नमेंट पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान आवाम को रिलीफ। जिस डाउनफॉल आ रहा है सारी प्राइसेस में चीजों में, तो डेफिनेटली कम होनी चाहिए हमारी प्राइस। डीजी खान, जनरल बस स्टैंड को जदीद तर्ज का इंटरसिटी टर्मिनल बनाया जाएगा। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल की सरबराही में इजलास में फैसला। तामीराती काम के लिए 7 जून को टेंडर तलब। लोकल गवर्नमेंट की 23 स्कीमों पर 59.60 करोड़ रुपए और बिल्डिंग्स की 30 स्कीमों पर 5.54 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से बजट की तैयारियां। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपना लिया। शहर भर की मुख्तलिफ यूसीज और शाहराओं के लिए 17 तरक्यात की स्कीमें तैयार करने का फैसला। तमाम स्कीमों पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। सराय की आवाम कोरोना वायरस को मात देने में पेश। निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज 122 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी।
डीडी खान में 62 मरीज सेहतियाब। बहावलपुर में थाना सिविल लाइंस का ड्राइवर और एसएचओ ने सेहतमंद होकर दोबारा ड्यूटी संभाली। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में कोरोना आईसीयू ने काम का आगाज कर दिया। फोकल पर्सन डॉक्टर इरफान ने कहा कि एसडीयू आईसीयू का क्याम मुखैर हजरात के तावन से मुमकिन हो सका। वार्ड में 11 वेंटिलेटर्स और 3 डायलिसिस मशीनें भी मुहैया कर दी गईं। कोरोना के केस रुक न सके, मुल्तान में डीएसपी का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। दुनियापुर वार के जनरल सेक्रेटरी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। दोनों ने खुद को अपने घरों में करंटीना कर लिया। मुल्तान में गर्मी और बदपरहेजी के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 238 से ज्यादा मरीज गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक से मुतासर होकर अस्पतालों में पहुंच गए। बेशतर मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्तान में बारिशों का खदशा, महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया। कब्रिस्तान मार्केट समेत दीगर मकामात पर सर्विलेंस करने की हिदायत, सीओ हेल्थ ने अहकाम दे दिए। दूसरी जानब कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को डेंगू बारे गाही मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। रेलवे का जुजवी तौर पर चलने वाली 15 अप एंड डाउन ट्रेनों को गैर मुइना मुद्दत तक चलाने का ऐलान। शालीमार कराची सर सैयद समेत 5 नई ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी गई। 3 माह कबल ऑनलाइन एडवांस बुकिंग भी करवाई जा सकेगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना जरूरी करार। सरकारी रेट लिस्ट के खिलाफ मुर्गी फरोश सरापा एहतजाज। रहीमिया खान, मियां चन्नू, खानेवाल, लैया और डीजी खान में मुर्गी फरोशों की दुकानें बंद। शहरी परेशान, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त खरीदने पर मजबूर। मुर्गी फरोशों का कहना है कि 260 रुपए मुर्गी का सरकारी रेट मंजूर नहीं, हुकूमत मुनासिब कीमत मुकर्रर करे। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। आयरोज जुर्माने और गोश्त की कम कीमत नामंजूर। रहीमिया खान के कसाबों ने सरकारी निर्फ पर छोटा और बड़ा गोश्त फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कसाबों के एमपी आसिम मजीद से मुलाकात में तहफुजात का इजहार। एमपी आसिम मजीद का कसाबों को तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। पंजाब फूड अथॉरिटी की ताजुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। पोल्ट्री शॉप, स्ट्रीट्स एंड बेकर, मसाला यूनिट और दीगर दुकानों की चेकिंग। 20 किलो खराब गोश्त, 4 मुर्दा मुर्गियां और 12 लीटर ऑयल तल्फ, 10 किलो मसाला जात और 8 किलो हशरात ज़दा मिठाई भी जाया कर दी गई। बहावलपुर में मुमकिन सैलाब से बचाव की तैयारियां। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की सरबराही में इजलास। 16 इमदादी कैंप के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुमकिन सैलाब की मॉनिटरिंग के लिए फ्लड कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। कमिश्नर आसिफ इकबाल कहते हैं तमाम महकमे फर्जी मशकों के जरिए इस्तेदाद कार को बेहतर बनाएं। लैया की तहसील करोड़ के नशीबी इलाकों में दरिया सिंध ने तबाही मचा दी। सोना उगलती जमीनें, दरिया बोझ। मौजा रकमा की मुतादिद बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गईं। बस्ती दरखान, बस्ती खोखर, बस्ती छिजड़ा समेत दीगर बस्तियां मुतासिर। इमदादी सरगर्मियां न होने पर मुतासरीन का एहतजाज। उधर लैया में डिप्टी कमिश्नर अजफर जिया की सरबराही में इजलास। सैलाब से निबड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। केहरोड़ पक्का, मुल्तानी वाला का फिल्ट्रेशन प्लांट 7 माह से बंद। जेर जमीन आलूदा पानी पीकर शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मोहल्ले वाले बकायाजात अदा करें तो फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा फाल हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ की जानिब से सखी सर्वर वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजिबात की अदम अदायगी। वापडा ने शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनकता कर दी। शहर भर की तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को ताले, पानी का बहरान पैदा होने लगा। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एहतजाज। रहीमिया खान और बहावलपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एहतजाजी मुजाहरे। कहते हैं स्कूल की इमारतों के किराए और इसाज़ा की तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया। हुकूमत एसओपीज के तहत तालीमी इदारे खोलने की इजाजत दे।
रहीमिया खान में पुलिस थाना बीड़वीन की कार्रवाई, 7 साल कबल हैदराबाद से अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करा लिया। घर में काम करने वाली खातून ने अगवा करके सोने की बालियों के इवज फरोख्त कर दिया। एक और बच्चे के अगवा पर खातून को गिरफ्तार किया गया तो बच्ची के वरसा ने खातून को पहचान लिया। पुलिस तफ्तीश पर खातून ने इतराफ जुर्म कर लिया। तौंसा शरीफ में बस्ती डोगरवाली में खातून के कत्ल का मामला हल हो गया। शोहर की बीवी हसीना माई का कातिल निकला। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। कायद आजम मेडिकल कॉम्प्लेक्स कॉलेज बहावलपुर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास। कार्डिक सेंटर के लिए मजीद 150 असिस्टेंट्स खरीदने की मंजूरी दे दी। कई एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई। तरक्याती मनसूबों की भी मंजूरी दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर खोलने का फैसला। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और टेस्ट सेंटर जिना पार्क खोले जाएंगे। नामवर सहाफी हामिद मीर के भाई फैसल मीर के हमरा सिडी 42 आमद सैयद इंसान नकवी की शहादत पर ताज्जुब का इजहार किया। शहीद के लिए फातह खानी की हामिद मीर का कहना था कि इंसान नकवी बेहतरीन सहाफी थे, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। लैया में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैयारा हादसे के शहदा के लिए दुआया तकरीब। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार अली नकवी के लिए खसूसी दुआ। डिप्टी कमिश्नर अजवर जया, DPO हसन इकबाल, MPA ताहिर अंधावा, असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इशफाक सियाल और कासिम खान की शिरकत। और सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी की साफ खिदमत पर ताजिर बरादरी का खराज तहसीन। बहावलनगर में जिला सदर अंजुमन ताजरान शेख फजल इलाही का कहना है इंसार अली नकवी की शहादत से पैदा होने वाला खिलाफ पुर होना नामुमकिन है। इंसार नकवी की वफात से मुल्क एक उस्ताद सहाफी से महरूम हो गया।